आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इनसाइड वन ब्रांड मेकअप लुक, एंड मैंने इनसाइड के प्रोडक्ट यूज करके ये मेकअप लुक क्रिएट करा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। सो या अब ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सो अब अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर, एंड प्राइमर के लिए तो ये सारे प्रोडक्ट जो है मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, और मतलब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी फर्स्ट टाइम वाला कि कैसा है। तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है तो इस वजह से मेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी, तो वो प्लीज इग्नोर कर देना आप लोग। सो प्राइमर के लिए मेरे पास है इनसाइड का प्राइमर 3-in-1 प्राइम प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज। सो ये कुछ इस टाइप की आउटर पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हो। सो काफी सुना है ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज, ऑयल फ्री प्राइमर है, तो काफी सुना है मैंने, आपने भी काफी मतलब यूट्यूबर से सुना होगा इसके बारे में। और मेरी आंखें थोड़ी लाल लग रही है क्योंकि मैंने लेंस पहने हैं, एंड इसकी वजह से थोड़ी लग रही है क्योंकि मैंने काफी दिन बाद पहने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, हम फटाफट से मेकअप करेंगे। ये है इसकी इनर पैकेजिंग, तो इसे मैं टी जोन एरिया पे लगाऊंगी, अपने यहाँ नोज और ये चिन, देन अपने पूरे फेस पे जो है स्प्रेड कर लूंगी हल्के हाथों से। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया, एंड इसने मेरे पोर्स को इतना कुछ ब्लर नहीं करा है, मतलब बहुत ही हल्का हल्का ब्लर करा है, एंड स्मूथ कर दिया है फेस को। तो आईब्रो फिल करने के लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं है इनसाइड में, तो मैं क्या करूंगी, इसका मस्कारा लूंगी एंड बस अच्छे से कोम कर लूंगी अपने आईब्रोज को, ताकि मेरी आईब्रो जो है थोड़ी फिल लगे। तो ऐसे ही करते हैं, बहुत हल्का हल्का करूंगी क्योंकि ब्लैक है। तब मैं अपने आईब्रोज को क्लीन करूंगी कंसीलर की हेल्प से, एंड कंसीलर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला तो है ये इनसाइड का 2X कवर मास्टर कंसीलर, सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट जो है वो है इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो ये दो ऑप्शन है, तो मैं ये वाला ट्राई करती हूँ पहले, एंड बाद में ये वाला ट्राई करेंगे। और इसमें मेरा शेड है सन बेज 01 शायद ठीक हो, एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, देख सकते हो। काफी मतलब इसके बारे में बात कर रहे थे सब लोग कि काफी अच्छा कंसीलर है, आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है ये कंसीलर, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये फुल कवरेज देता है कि नहीं। तो काफी क्रीमी है ये, एंड अब ट्राई करते हैं इसे ब्लेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था एक वीडियो में कि ये ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ से है, तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मीशो से है, एंड इसका मैंने बताया भी था सब डिटेल में, 3 का सेट था ये, एंड इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको लेना हो तो आप चेक कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मीडियम कवरेज इसने प्रोवाइड करी है, एंड ठीक लग रहा है। अब इसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूंगी, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का HD फिनिशिंग लूज पाउडर, एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, आपको इतना बड़ा टब मिल जाता है, एंड इसकी प्राइस मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी सारे प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है। सो इसमें मेरा शेड है बेज, एंड इसमें मेरा शेड नंबर है 04। सो इसका मतलब सब अच्छा है, बस इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, आप देख सकते हो काफी पाउडर उड़ भी गया है। सो इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है, बाकी सब अच्छा है। तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से जो है अपनी आईज को सेट कर लूंगी, ये थोड़ी ना कवरेज भी दे रहा है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आईलेट मैंने सेट कर ली है, इसके बाद हम अपना आई मेकअप करेंगे। तो मेरे पास आई शेडो के लिए है एक ही प्रोडक्ट है, तो ये है मेरे पास इनसाइड का मल्टी लूज आई शेडो, एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो इसमें मेरा शेड है 04 मूनलाइट, सो ये मैंने मंगाया था, एंड ये है इसकी इनर पैकेजिंग, आप देख सकते हो। इसमें आपको 4 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। सो इसे लेके मैं अपनी पूरी आईलेट पे लगा लूंगी, एंड काफी अच्छा है ये लूज पिगमेंट, एंड काफी पिगमेंटेड भी आप देख सकते हो। इसके बाद मैं लूंगी एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश, एंड अच्छे से ब्लेंड करूंगी इसके एजेस को,
कंसीलर पैलेट में से ये ब्राउन शेड लूंगी, डार्क ब्राउन, एंड बहुत ही हल्का सा लूंगी और इसे मैं अपनी आउटर वी पे लगाऊंगी कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं लूंगी आईलाइनर एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का सुपर लास्टिंग सुप्रीम आईलाइनर एंड कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड इनर पैकेजिंग इस टाइप की, काफी अच्छी लग रही है, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है। मैं थोड़ा स्मोक आउट करूंगी इसको। थोड़ा सा स्मच करूंगी, तो ये स्मच तो नहीं हो रहा है बट जो मैंने आई शेडो लगाया है वो हट जा रहा है, तो मैं इसको स्मच नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और अब मैं जल्दी से अपना दूसरी आई का भी मेकअप कंप्लीट करके आती हूँ। मैंने दोनों आईज का अपना लुक कंप्लीट कर लिया है, आप देख ही सकते हो, मतलब ये ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी आई शेडो रेंज नहीं आती है ज्यादा मैट वगैरह वाली। इसमें आपको मतलब ग्लिटर आई शेडो मिल जाएंगे और इस टाइप के लूज पिगमेंट्स मिल जाएंगे, सो आप इसी से कुछ क्रिएट कर सकते हो अगर आप इन साइड के ही यूज करना चाहते हो, वरना मिक्स मैच करके तो आप बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर लोगे। सो या ये हो गया है एंड बात कर लेते हैं आईलाइनर की। तो आईलाइनर जो है ओके है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसमें पैसा वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ एंड यहाँ पे है मेरे पास इन साइड का मस्कारा। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आप देख सकते हो एंड इसमें आपको ना कुछ इस टाइप का ब्रश मिल जाता है, जैसे अगर आपकी जो लैशेस है वो चिपक गई है तो आप उसे कॉम कर सकते हो एंड सेपरेट कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा है। तो देखते हैं कैसा वर्क करता है ये वाला मस्कारा। सो मैं कोई भी फॉर लैशेस जो है अप्लाई नहीं करने वाली हूँ आज, इसी से देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। सो मैंने अच्छे से एक दो कोट अप्लाई कर लिया एंड ये कुछ इस टाइप का वर्क कर रहा है, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बट इस रेंज में जितने प्राइस में ये आता है इससे काफी अच्छे मस्कारा आपको मिल जाएंगे। सो ये हो गया, अब अपना बेस मेकअप पे बढ़ते हैं। तो हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया था, इसके बाद मैं थोड़ा सा यूज करूंगी ऑरेंज करेक्टर। तो ये है इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट एंड ये मैंने करेक्टर ऑर्डर करा था, इसमें आप कंसीलर पैलेट ऑर्डर कर सकते हो, उसमें आपको सारे कंसीलर शेड्स मिले। काफी अच्छा है ये वाला, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है एंड काफी अच्छी कवरेज देता है ये प्रोडक्ट। तो इसे तो आप जरूर ट्राई करो अगर आप इनसाइड में देख रहे हो तो, और सिंगल सिंगल भी आते हैं अब तो वो भी काफी अच्छे हैं, जस्ट आपको 99 में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को करेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है यूज कर रही हूँ ये इनसाइड का लॉन्ग वेयर कलर रिच लिप ग्लॉस एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। तो मेरे पास कोई भी ब्लश नहीं है तो उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ एंड पहले ही लगा रही हूँ फाउंडेशन के लिए, ताकि जब मैं फाउंडेशन लगाऊं तो काफी नेचुरल लगे एंड मैं डॉट डॉट करके लगा रही हूँ ताकि ज्यादा ना अप्लाई हो। तो ये हो गया, इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और इसमें आपको मतलब बहुत कम शेड मिलते हैं। सो देखते हैं मेरा शेड जो है मेरे से मैच होता है कि नहीं। तो इसमें मेरा शेड नंबर है 02 रोज बीच, तो देखते हैं कैसा मैच होगा। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, देख सकते हो काफी अच्छी पैकेजिंग है, ड्रॉपर के साथ आती है जो कि काफी अच्छा है एंड काफी अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी, लग तो रहा है मेरा शेड है, ब्लेंड करके देखते हैं कैसे लगेगा। ब्लेंड काफी अच्छे से हो रहा है, काफी अच्छी कवरेज है, मतलब बिल्कुल भी मतलब एक्स्ट्रा ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लगाया है, मेरी ही स्किन लग रही है, जैसा इसका कहना है वैसे इसका काम है। तो काफी अच्छा फाउंडेशन है, मतलब हाईली रिकमेंड करूंगी मैं आपको कि इसे ट्राई करो, डेली बेसिस के लिए भी काफी अच्छा है ये वाला फाउंडेशन। इसके बाद मैं ना थोड़ा सा मतलब अपने फेस को जो है ब्रॉन्ज नहीं कॉन्ट्रोल करूंगी वाला मैं यूज कर रही हूँ, और जहां पे मैं मतलब ब्रॉन्जिंग करती हूँ वहां पे लगाऊंगी, ब्लेंड कर लूंगी सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर से। इसके बाद मैं अपने बेस को सेट कर लूंगी और मैं सेम ही लूज पाउडर ले रही हूँ, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी। सो इसके बाद मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइट करूंगी एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड की ये स्टिक,
हाईलाइटर स्टिक्स। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है एंड ये है इसकी इनर पैकेजिंग। सो इसमें मेरा शेड है 02 रोज गोल्ड एंड काफी अच्छा है ये वाला हाईलाइटर। सो मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट अपने हैंड के हेल्प से लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लगाऊंगी। लास्ट में अप्लाई कर लूंगी ये इनसाइड का लॉन्ग वेयर कलर रिच लिप ग्लॉस एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो इसे मैं अप्लाई कर लूंगी एंड काफी कम लगाऊंगी। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड ये सारे प्रोडक्ट यूज करके मैंने ये लुक क्रिएट करा है। सो ज्यादा अच्छा नहीं है ये लुक मुझे पता है, बट जैसा भी है ये सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यूज करा है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में से मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स आपको बोलूंगी कि जरूर ट्राई करो। तो पहला है ये फाउंडेशन, काफी अच्छा है, काफी अच्छी कवरेज है इसकी, मतलब आपकी स्किन ही लगेगी, सेकंड स्किन लगेगी, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। सो बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये, जरूर ट्राई करो। बट इसमें काफी कम रेंज होती है शेड्स की, तो आपका शेड शायद मिले ना मिले ये पता नहीं, बट काफी अच्छा फाउंडेशन है अगर आपको शेड मिल जाता है तो। नेक्स्ट आप ये जरूर ट्राई करो कंसीलर पैलेट, इनका करेक्टर भी आता है कंसीलर भी आता है। तो ये मेरे पास करेक्टर है, कंसीलर आता है, ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। सिंगल भी आता है, वो भी काफी अच्छा है। इसके बाद आप इनके लूज पिगमेंट ट्राई कर सकते हो, ये भी काफी अच्छे है एंड आप इसका लिप ग्लॉस भी ट्राई कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाला भी आता है और कलरफुल भी आता है। तो मैंने यहाँ पे कलरफुल वाला ट्राई कर रखा है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो एंड आप ये वाला कंसीलर भी ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है ये, मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, तो काफी अच्छा है इस प्राइस में ये वाला कंसीलर। तो लास्ट ये आप हाईलाइटर स्टिक भी जरूर ट्राई करो, काफी अच्छी है ये वाली भी। सो ये सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, इनसाइड के आप ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, बाकी ठीक ठाक क्वालिटी के है और लूज पाउडर वगैरह मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छे नहीं है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी नहीं कि ट्राई करो। ये थी मेरी वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।